कल रात को 63 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न हुआ। मुंबई डॉक्टर अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि में ये उचित था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहीं समाप्त हो जो पवित्र स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान बन गया है चैत्य भूमि, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक पर। क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को तोबाल मणिपुर से किया था। ऐसे समय पर जहां जब हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात बनाया गया है, उनको कमजोर किया गया है, ऐसे समय में संकल्प लेना कल रात को राहुल जी और उनके साथ 70 और लोग हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़े, ऐसे समय में जब संविधान खतरे में है और बात हो रही है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाकर एक नए संविधान बनाने की, तो बड़ा उचित है कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संपन्न होना डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में, मैं समझता हूं वो अलग से एक विशेष महत्व रखता है। करीब 6300 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, 106 जिले कवर हुए, और जैसा कि मैंने कहा तोबाल से शुरू हुआ 14 जनवरी को और समाप्ति हुई 16 मार्च को मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगा करीब 140 दिन पद यात्रा था भारत जोड़ो यात्रा का, और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और वो श्रीनगर तक पहुंचा, और कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक 75 जिले कवर हुए थे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में 75 जिले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 106 जिले। तो कुल मिलाकर राहुल जी ने इन दो यात्राओं में 106 और 75 यानी कि 181 जिले पदयात्रा किया है या बस यात्रा किया है और जनता के साथ संपर्क में आए हैं 181 जिले में पिछले 1.5 महीनों में। भारत